आया था सेवन वंडर्स देखने, तो अभी यहाँ पता चला कि ये 2:30 बजे ओपन होता है। तो अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ और यहाँ पर है कोई मेन गेट, तो मैंने अभी पूछा भैया से, तो उन्होंने कहा कि 2:30 बजे से चालू है और रात को 10-11 बजे तक ओपन रहेगा। और यहाँ पे ऐसे कुछ चार्ज है 2-व्हीलर 4-व्हीलर के, यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है पूरी। उधर वो केशव सागर लेक है अपना होटल, जस्ट वहीं पे है। वो सामने आपको दिख रही है ना, वो अली पीसा की जो कि मीनार है, पिरामिड है उधर। तो शाम को आएंगे, अभी फ्रेंड से बात हुई तो वो कह रहा है मैं एक बार कहीं काम से निकल गया था, तो वो भी नहा धो के घर से आ रहा है, फिर अपन चलेंगे साथ में मीका भाजी के साथ में। तो अभी वो आ रहे हैं, उनके आने के बाद में अपन चलेंगे गढ़िया महादेव और राउतबाटा देखने। तो आप ब्लॉग को कंटिन्यू पूरा देखना, और भीमलत वाला वाटरफॉल वाला ब्लॉग कैसा लगा, अगर वो पसंद आया तो उसको भी लाइक कर दो, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, कभी आपने नहीं देखा तो उसको जाके देख लेना। तो यहाँ पे थोड़े छोटे बच्चे मिले थे अपन को, नए सब्सक्राइबर है, अपना अपना नाम बता दो भैया। और आपका? कार्तिक। और अच्छा, तो आप यूट्यूब देखते हो क्या? अच्छा, तो यूट्यूब पर अपना चैनल है MT राइड AJ के नाम से, उसको आज जाके सब्सक्राइब कर लेना, और आपका ब्लॉग भी मैं उसमें डाल दूंगा, है ना। बाय। अपन निकलेंगे सीधा गढ़िया महादेव और राउतबाटा के लिए, देखते हैं दोनों में से पहले कौन सा अपन कवर करते हैं, तो वो वहीं पे आपको बताऊंगा। तो चलते हैं वापस और मिलता हूं आपको मोटो ब्लॉग सेटअप पे। बाय। हाँ तो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया बढ़िया ही रहना। तो सीन कुछ ऐसा बना कि मेरे फ्रेंड से बात हुई जो अपन को लेके चल रहे थे मेकअप आजी, उनको कुछ अर्जेंसी काम आ गया, तो वो कह रहे हैं कि मैं 1-1.5 बजे तक फ्री होऊंगा, तो फिर चलेंगे अपन सीधा राउतबाटा डैम देखने। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है ऐसा। तो उन्होंने कहा तब तक आप सिटी घूम लो, तो अभी मैं निकल चुका हूँ राउतबाटा के लिए, और कोटा से करीब 50 किलोमीटर दूर अप्रोक्स पड़ेगा ये अपन को। तो मैं और मीका पाजी दोनों निकल गए हैं बाइक पे, एक ही बाइक पे जा रहे हैं हम दोनों, तो राउतबाटा के लिए जा रहे हैं। और दोपहर का टाइम हो गया, अभी 2 बज गए, तो थोड़ा लेट हो गए निकलने में, पहले मैंने सिटी एक्सप्लोर कर रहा था सुबह सुबह। तो अब निकले हैं कोटा राउतबाटा के लिए, तो रास्ता तो ऐसा ही है यहाँ पे अभी, और हवा बहुत तेज़ चल रही है यार आज सुबह से, एकदम पूरा ख़तरनाक सामने से विंड आ रही है। तो भाई सुबह से कुछ नाश्ता चाय वगैरह नहीं की, तो चाय पीने के लिए रुके हैं, तो मिक्का पाजी को नींद आ रही है तो उनको चाय पिलाते हैं पहले, और यहीं पीते हैं, फिर आगे बता रहे कुछ मिलेगा नहीं आगे, तो यहीं पे अपन रुक के चाय वगैरह पी लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, यहाँ से राइड कंटिन्यू करेंगे। पूरा जंगल एरिया है यहाँ से, और अंदर अपन और डीप में जा रहे हैं तो और ज़्यादा जंगल आता जा रहा है। अभी पहले तो धूप थी लेकिन अभी बिल्कुल छाव हो गई है, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है रास्ते का, तो फुल इंजॉय वाला मज़ा आ रहा है। तो कुछ कुछ यादें अपने सरिस्का वाली वापस ताज़ा हो रही है, कि कुछ वहाँ पर भी ऐसी सेम रोड थी, सेम जंगल था, तो वाली यादें अपने वापस ताज़ा हो गई है। तो सामने थोड़ा आगे चलते हैं, एक व्यू पॉइंट है, वहाँ से रुक के आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखा देता हूँ एक बार, जो यहाँ के घाटी है वहाँ पर पूरा व्यू दिख जाएगा वहाँ से, और इस साइड में है अपने लेफ्ट साइड में वो वाला व्यू पॉइंट, देखो आप कैसा दिख रहा है यहाँ से यार, कितना बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। तो यहीं रुक के आपको थोड़ा दिखा देता हूँ मैं, तो यहाँ से आप व्यू देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है यहाँ से, ये देख लो व्यू, चेक कर लो पूरा यहाँ से। तो वहाँ पे कुछ खेत और घर भी बने हुए हैं, और ये पूरा दरा जंगल का जो पहाड़ी इलाका है उसका ही पूरा हिस्सा है, तो उससे पूरा घिरा हुआ है, देख लो आप चारों तरफ, इधर से पूरा पहाड़ है, इधर छोटा पहाड़ है, यहाँ पे कुछ खेत वेत भी है, तो जो यहाँ पे लोग वहाँ रहते हैं वो खेती वगैरह भी करते रहते हैं। और अपन चल रहे फिलहाल आगे, थोड़ा जंगल एरिया ख़त्म हो गया और मकान वगैरह है यहाँ पे, लोग खेती वगैरह कर रखे हैं, तो ये पूरा जंगल का एरिया था अंदर से, अब अपन बाहर निकल चुके हैं। तो आज संडे, इस वजह से काफ़ी लोग जा भी रहे हैं राउतबाटा, और लोग आ भी रहे हैं, आप देख रहे हो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो आज संडे के कारण लोग वहीं पर जाते हैं। और भैया बता रहे थे कि अगर बारिश हुई होती तो इस सड़क पर जगह नहीं होती, इतने लोग वहाँ जाते हैं वहाँ पर राउतबाटा देखने के लिए, तो बारिश का खैर अपन को नहीं मिलेगी क्योंकि अभी बारिश कमी हुई है कोटा में, तो खैर कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या सीन मिलता है अपन को। एयर प्रेशर करवा दिया तो बाइक अब बिल्कुल स्मूथ चल रही है, पहले थोड़ा हल्का सा टफ चल रही थी बाइक ऐसे, तो मेरे को लग ही रहा था हवा कम है, तो यहाँ पे मिल गया एयर प्रेशर का, तो अपन ने करवा लिया फिल, और अब बाइक बिल्कुल एकदम स्मूथ मक्खन की तरह चल रही है। तो ये जो आप देख सकते हो ये पाड़ोली के मंदिर है, तो बहुत पुरानी मंदिर है,
तो जब औरंगजेब अगर आए थे तो उन्होंने आक्रमण करके सारे पूरे तोड़ दिए, तो देख सकते हो ऊपर से टूटे हुए सारे इनके गुंबद वगैरह। तो ये पे आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे मंदिर है पुराने एकदम। तो ये जो खाई सी दिख रही है वो चंबल नदी है, यहाँ से वो निकल रही है यहाँ पे। गराडिया महादेव है मंदिर, वो भी इसी पे है, तो वो दूसरी साइड है इसके, उस साइड पे पड़ता है, तो वो दूसरे रूट से, ये दूसरी साइड में है। तो अपना तो फिलहाल अभी रावतबाटा ही चल रहा है, तो उसको आई थिंक मैं कल वाले ब्लॉग में एक्सप्लोर करूँगा। तो आज वाले में रावतबाटा ही करेंगे और साथ में अपन सिटी कवर करेंगे शाम को। सीधा रास्ता जाएगा डैम और अपन चल रहे हैं राइट, तो अपन शॉर्टकट वाले रास्ते से जा रहे हैं और वो थोड़ा ऑफ रोड होने वाला है, तो उसी वाले रास्ते से अपन जा रहे हैं। और सामने आ चुके अपने भैंस, तो इसी रूट पे अपन को चूलिया फॉल्स है, वो भी देखने को मिल जाएगा। हाँ, तो अभी तो ये चंबल रिवर बिल्कुल यहाँ से सूखी हुई लग रही है, क्योंकि अभी गेट नहीं खुले उसके, तो जब गेट खुल जाएंगे तो ये पूरा पानी इधर से निकलेगा। तो अभी तो खाली है पूरा, क्योंकि अभी बारिश कम ही हुई है कोटा में, जब बारिश होगी तो ये पूरा सीन अलग ही कुछ देखने को मिलेगा। तो ये सामने एक पुल है जो अभी तो पानी नहीं है, तो खाली पड़ा है, जब पानी आएगा तो पूरा इसके ऊपर से फ्लो करता है, अभी तो पानी नहीं है। तो कुछ लोग आपको दिख रहे होंगे सामने फ़ोटो रील्स वगैरह बना रहे हैं। तो ये चंबल नदी है पूरी, रिवर देख लो आप, और लोग आज नीचे भी उतर रखे हैं। तो यहाँ पे अपन रिटर्न होते हुए टाइम रुकेंगे, अभी आगे चल के अपन एक्सप्लोर कर लेते हैं फटाफट पहले। और ये एकदम पूरी टूट रखी है इस साइड में, तो बाइक ही जा सकती है, फोर व्हीलर तो वहीं पे रुक जाएगी। और बारिश के टाइम में तो बहुत रिस्की हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि इस पानी इसके ऊपर से फ्लो करने लग जाता है। और बाइक अटक गई, अंकल जी की बाइक निकल गई, निकल गई। आराम से लेने पड़ेगी क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है यहाँ पे। हाँ, अच्छा, तो जब गेट खुले थे इसके तो एकदम से पूरा पानी का फ्लो आया ना बहुत तेज, तो ये पूरी पुलिया टूट गई, नहीं पहले पूरी सही बनी हुई थी। और अभी तो पानी नहीं है क्योंकि बस गेट नहीं खोले ना डैम के, तो कमी है। और रास्ता आप देख सकते हो कैसा है, तो इसके ऊपर से पानी फ्लो होता है क्या? हाँ, अच्छा, इतना ऊपर तक? अब देखो पानी उधर भी आता है और जब गेट खुलते हैं ना, तो वो वाली जो साइड दिखाई दी मैंने, हाँ हाँ, साइड तक निकल जाता है। अच्छा, राणा प्रताप राजस्थान का अपने यहाँ का चंबल का सबसे बड़ा मेला है। अच्छा, उसके बाद जवाहरसागर डैम। अच्छा, और इससे बड़ा है वो गांधी सागर, मतलब पढ़ने का भी मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, वो एकदम से आएगा पानी। हाँ, तो इस साइड में चूलिया फॉल्स है, तो यहाँ से थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है, तो वो बहुत रिस्की हो जाता है कि कई बार क्या एकदम से पानी आता है ना, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा जाने का यहाँ से। तो इस साइड में आपको दिख जाएगा, हाँ यहाँ से देख लो आप, ये जो पूरा है चूलिया फॉल्स है, ये दिख रहा होगा आपको। अभी तो पानी नहीं है, तो पाड़ासर महादेव के लिए अपन को ये लेना है यहाँ से राइट, और ये पूरा रास्ता ऑफ रोड होने वाला है, तो करीब 2 से 3 किलोमीटर अपन को ऑफ रोड चलना है यहाँ से, और फिर अपन को मिलेंगे महादेव जी, पाड़ासर महादेव। यहाँ से चलना की भाई नीचे की साइड को तब तक दिख रहा है कि फोटो अपन भी आएंगे, तो इस साइड में एक बार फोटो क्लिक करा लेंगे, फिर नीचे होके आ जाएंगे ना। हाँ हाँ, अब यहाँ पे जो पानी आ रहा है ना, ये नीचे गिर रहा है, तो ये है पाड़ासर महादेव मंदिर का झरना, तो वहाँ पे आगे चढ़ना है और अपन चल रहे आगे, बाइक पार्क करते हैं फिर देखने चलते हैं आगे। रास्ता बहुत ख़राब है यार, बहुत ऊपर घाबड़ पत्थर है एकदम तीखे तीखे, तो बाइक को यहीं लगा देंगे आगे, पार्क कर देंगे फिर देन आगे चलेंगे झरने के पास। तो बाइक कर देते हैं यहीं पार्क,
और फाइनली पहुंच चुके हैं अपन पाड़ासर महादेव। फटाफट जैकेट वगैरह निकालते कि यार बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और फिर करते अपना ब्लॉग कंटिन्यू आगे। अपन झरना देख लेंगे, यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। और बाकी सक्सेस है, मैंने आपको मिलाया नहीं, तो ये अपने मीका पाजी। हेलो भाई, कल से मैं आपको बोल रहा हूँ कि मीका पाजी के साथ हूँ, मीका पाजी लेकिन मिला नहीं पाया मैंने, तो अब इनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं आपसे। और ये अपने यामा में है, यहाँ पे कोटा में। तो आपको अगर यामा से कोई रिलेटेड काम हो तो आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इनके आई डी में आपको इंस्टाग्राम आई डी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो और ये अपने यामा के सुपर स्टार है, शाहरुख खान बोल सकते हैं आप इनको। और आज ये पूरा अपन को कोटा ट्रैवल करवा रहे हैं, तो अभी इनके साथ है। बाकी अपन नीचे उतर रहे हैं, यहाँ से स्टेज वगैरह बनी हुई है, तो नीचे के झरने का आवाज़ तो यहाँ से आपको आ रही होगी। आई थिंक मुझे तो आ रही है, कैमरे में पता नहीं आ रही है नहीं आ रही। अपन नीचे जाके आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ, यहाँ से आ नहीं रहा। तो गाइस ये देख लो सामने झरना हो रहा, वहाँ से वाटर कितना भयंकर झरना गिर रहा है। ये दीवार को बंद ही कर दिया इसको तो। हाँ, ये दीवार कब कर दी थी हम लोग आए थे, कोई दीवार नहीं थी। रातों रात कार्रवाई हुई है यहाँ पे, तो पहले ये दीवार नहीं थी और वहाँ तक अंदर तक जाने दे देते, और अभी तो बंद कर दिया फिलहाल। तो यहीं से अपन दिखा देते हैं, सामने आप देख लो कितना खतरनाक पानी गिर रहा है यार वहाँ पे। तो यह है पाड़ासर महादेव मंदिर, पीछे रह गया, अपन दर्शन करेंगे अभी। वोला मंदिर वहाँ पर है ऊपर, और यह उसका झरना है तो यहाँ पर है। हाँ, तो यहाँ पे कुछ लोग नहाते वगैरह रहते हैं, तो अभी डेथ हो गई थी इस वजह से यहाँ पे बंद कर दिया, बाकी आगे नहीं जाने दे रहे। तो यहीं से अपन दिखा देता हूँ आपको, ये कुछ है इधर, थोड़ा आगे चल के और दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये पूरा झरना है, और बाय लक अपन को अंदर नहीं जाने दे रहे, तो यहीं से आपको व्यू देख लो यार, तब भयंकर पानी आ रहा है उससे। तो फाइनली का लंबा और ऑफ रोड रास्ता पार करने के बाद में जो अपन को देखने को मिलता है वो आप मेरे पीछे देख सकते हो। ये है वाटरफॉल जो अपन देखने इतनी दूर आए, काफ़ी ऑफ रोड वाला रास्ता पार करके आए हैं। ये है पाड़ासर वाटरफॉल, आप देख सकते हो, पूरा वीडियो में आपको दिख रहा होगा। और फिलहाल तो यहाँ पर आगे जाने दे नहीं रहे, बंद कर रखा है, तो यहीं से अपन वीडियो बना रहे हैं। और कैसा लग रहा है आपको झरना, अगर झरना पसंद आ रहा है तो वीडियो को अपना क्या करना है, लाइक करना है। कितना है टफ रोड पार करके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए दिखाने के लिए। ये देख सकते हो आप मेरे पीछे, एक खूबसूरत नज़ारा है। अभी चल रहा है अंदर महादेव जी के दर्शन करने, और मंदिर कुछ ऐसा है अंदर के रूम में बना हुआ है गुफा में। तो ये मंदिर है कुछ ऐसे, तो गुफा के अंदर आने के बाद में यहाँ पे भी शिव जी का गुफा के अंदर है बिल्कुल, और लाइट वगैरह लगा रखी है काफ़ी अंदर तक है। तो यहाँ मैं आया हूँ दिखाने के लिए आपको, और गुफा देख सकते हो आप, बिल्कुल अंधेरा इधर, और बिल्कुल मैं बैठ के आया हूँ। देखो मैं छत पे पत्थर लगा रखता हूँ, मतलब नीचे है बिल्कुल ये, और आया हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे ऑटोमेटिक पानी गिर रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये जलाभिषेक हो रहा है ऑटोमेटिक, मतलब जो बरसात का पानी कैसे भी है वो अपने आप अभिषेक हो रहा है इनका, शिव जी का अपने आप जलाभिषेक हो रहा है। और अब चलते हैं वापस, तो अपन बाहर निकल रहे हैं वापस, और दिख नहीं रहा होगा आपको कैमरे में कुछ भी। तो ऐसा कुछ व्यू था वो आपने देख लिया, अब फाइनल अपन निकल के आ गए बाहर। तो जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं पाड़ासर झरने के पास वाटरफॉल के लिए, तो पंडित जी कुछ मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को, तो कुछ बता रहे हैं आप लोग उनको। जय श्री महाकाल, आप सभी को से अनुरोध है कि एक तो शाम को 5 बजे बाद आप इस क्षेत्र में ना आए, और अगर आएँ आप टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर वाटरफॉल में बिल्कुल नहाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पर हर साल कम से कम 5 से 7 आदमी मरते हैं।
ज़बरदस्ती पानी से हमेशा दूर रहें, पानी के पास जाने की कोशिश ना करें, आपका जो एंजॉय है उसको करें और मत रहें, शराब पीकर भी ना। तो पंडित जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है। तो जहाँ अभी तो बिल्कुल बैन कर दिया, बाकी पिछले यहाँ पे चालू था अंदर तक बिल्कुल झरने पास में, तो कई लोग जा रहे थे, उनकी डेथ भी हो चुकी है। तो आप ऐसा कभी कोशिश भी ना करें, और इंजॉयमेंट के हिसाब से आए तो ज़्यादा अगर वहाँ पे मना ही है तो उस जगह पे बिल्कुल भी ना जाए। तो नीचे आपने वाटरफॉल और महादेव जी के दर्शन कर ही लिए होंगे, और पंडित जी ने जो बात बोली है वो बिल्कुल सही बोली है। तो ऐसा गलती आप कभी ना करें, बाकी पूरा इंजॉय करें। सीन देख लो आप यहाँ से, कितना प्यारा व्यू आ रहा है यार। हम दोनों की हालत ख़राब हो गई, नीचे तक एकदम पूरा था, सांस भर गई। अब थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर चलते हैं आगे। तो ये जो झरना है उधर से निकल रहा है और लेकिन जो इधर तक गिर रहा है, तो अपन उसको थोड़ा सा जाके आगे जाके अपना एक्सप्लोर करने वाले, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। और ये जो लोग गलती कर रखे हैं अंदर जाके वो आप कभी ना करें, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। वो देखो वो लोग बिल्कुल किनारे पर बैठे हुए हैं वहाँ पर, ये बहुत गलत है भाई। इन्हीं लोगों की वजह से ऐसे टूरिस्ट पैलेस को बंद कर दिया जाता है। तो ऐसी हरकतें आप जब भी कहीं पे भी जाओ तो ऐसी हरकतें ना करें, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। और अभी आपको थोड़ा सा साइड से चल के अपन एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ, क्योंकि वहाँ से नीचे से अच्छा व्यू नहीं आता, तो अपन थोड़ा साइड से चल के आपको व्यू दिखा देता हूँ ऊपर से। तो अब जो आप लोगों को व्यू दिखाने वाला हूँ भाई, आप यकीन नहीं मानोगे, इतना बेहतरीन व्यू आपने कभी नहीं देखा होगा। ऐसा वाटरफॉल दिखाने वाला हूँ अब आपको कि आप बोलोगे वाह भाई क्या बात है। चेक करो पीछे वाला, चेक करो, क्या शानदार वाटरफॉल है, क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से एकदम। पानी वहाँ से देखो कितना सारा पानी नीचे तक गिर रहा है, और कुछ लोग यहाँ खड़े भी हैं, और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है चारों तरफ का। ये वाला वाटरफॉल है, तो ये पाड़ासर वाटरफॉल है, आपने जो देखा है वो पाड़ासर वाटरफॉल देख रहे हो आप यहाँ पे। और कमेंट कर दो भाई, अब तो लाइक कर दो यार, वीडियो को इतनी मेहनत की आपके लिए, इतना ऑफ रोड, इतना लंबा सफ़र तय किया है इसी झरने को दिखाने के लिए, तो एक लाइक तो बनता है। और साथ में कमेंट जरूर कर देना कि आपको कैसा लगा ये वाला व्यू देख के। भाई मैं तो एकदम मंत्रमुग्ध होता है ना, बोलते ना उसको, वो वाला हो चुका हूँ मैं तो यहाँ पे एकदम पूरा। यार क्या व्यू है यार, देखो आप क्या उतर। Nothing's ever black and white. चंबल नदी के उस राणा प्रताप वाला डैम है वहाँ पे आगे, तो आप देख सकते हो उधर गेट थे। अभी मैं जो आया था बाइक जस्ट लेके उधर से आया था, और ये इधर पूरा चंबल रिवर है, काफ़ी दूर में फैली हुई है, और आप देख सकते हो यहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है। और उधर पीछे अपना राणा प्रताप का डैम गेट वगैरह बने हुए हैं, अभी तो इसमें पानी कम है, बाकी यहाँ तक पूरा फिल रहता है। तो आप देख दो ये पूरी उधर तक फैली हुई है यार चंबल रिवर। और जो उधर आगे आपको दिख रहा है वो है चंबल का पावर प्लांट, वहाँ से देखो, वहाँ से इतनी दूर से आ रही है चंबल रिवर, वहाँ तक फैली हुई है। अपन उधर से आए थे उस साइड से, उधर से होके हुए इस पुल के ऊपर से आए थे। तो अपन वापस चल रहे हैं कोटा सिटी, और वहीं आपको मिलता हूँ वापस। गाड़ी का फ्यूल टैंक खाली होने के साथ साथ अपनी एनर्जी भी खाली हो गई, और अपन पहुँच चुके हैं कोटा। तो भाई आज की जर्नी बहुत ही मस्त थी, आपने वाटरफॉल देखा, महादेव जी का मंदिर देखा, और बाकी जो रास्ता एंजॉय किया वो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी ब्लॉग का आज यहीं एंड करते हैं, और आपको मिलता है नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए टिल एंड बाय।